उमेश यादव हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित फिर से दोबारा अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ आपका। आज मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये सबसे बढ़िया जगह रहेगा मेरे हिसाब से। मैं आज आप लोग को लेके जा रहा हूँ ईडन गार्डन। ईडन गार्डन जो कि भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है और थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए आपको वहाँ पे ले के जाता हूँ और आज शायद कुछ मैच भी है तो मैं अंदर भी जा सकता हूँ स्टेडियम के अंदर। तो चलिए चलते हैं ईडन गार्डन और आपको वहाँ पे दिखाएंगे कितना क्या एंट्री फीस है, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, किस किस दिन खुला रहता है, कैसे किस दिन बंद रहता है। तो चलिए आइए चलते हैं दोस्तों। मैंने रैपिडो बुक कर लिया है यहाँ से और अभी मेरा रैपिडो आ जाएगा, उसके बाद मैं रैपिडो पर बैठ के चला जाऊँगा ईडन गार्डन और आपको भी चलिए दिखाता हूँ। और वहाँ पे शायद ईडन गार्डन में मैच भी है तो चलिए मैच का भी मजा कुछ ले लेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं ईडन गार्डन की ओर। चलिए दोस्तों चलते हैं, मेरा रैपिडो आ चुका है और मैं रैपिडो को बैठूंगा और चला जाऊंगा यहाँ से। चलिए आइए चलते हैं, मेरा रैपिडो यहाँ सामने खड़ा है। हाँ दोस्तों, तो मैं अभी ईडन गार्डन के बाहर पहुँच चुका हूँ, गेट नंबर 1 पे खड़ा हूँ और इसके बाद अब मैं अंदर जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा अंदर का व्यू। देखिए यहाँ पे आदमी सब खाना वाना खा रहा है। चलिए आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। हाँ दोस्तों, मैं अंदर आ चुका हूँ सिक्योरिटी गार्ड से। यहाँ पे कोई एंट्री फीस अभी नहीं है फिलहाल, क्योंकि शायद अभी छोटा मैच हो रहा है। चलिए मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा यहाँ का व्यू कैसा है, कैसा नज़ारा है। चलिए आइए चलते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। आज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये ईडन गार्डन में, पहली बार आया हूँ और काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लेयर को देखने को मिला। इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी बड़े बड़े सितारे मौजूद हैं यहाँ पे, जैसे कि उमेश यादव हैं, रवि बिश्नोई हैं, राहुल चहर हैं, दीपक चहर हैं और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, अभी देखना बाकी है। चलिए आपको दिखाते हैं फ्रंट कैमरा से यहाँ पे ईडन गार्डन का नज़ारा। यहाँ पे देखिए मेरे ऊपर जस्ट ये कमेंट्री बॉक्स है, यहीं से कमेंट्री होता है। काफ़ी धूप है इसलिए अभी बढ़िया से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। चलिए फ्रंट कैमरा करके बाहरी यहाँ पे जितना अंदर का ग्राउंड कैसा है, कैसा नहीं है, कहाँ सब सीटिंग है, कहाँ आदमी बैठते हैं, चलिए आइए दिखाते हैं आपको। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. You.
I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. राजस्थान 6 विकेट से जीत चुका है। काफ़ी मज़ा आया मैच देख के। यश कोठारी जिन्होंने शतक मारा, बहुत ही इंजॉय किए लोग हम लोग उनका शतक। ये और उमेश यादव का बॉलिंग देखे लोग, रवि बिश्नोई का बॉलिंग देखे लोग, दीपक चहर का बैटिंग देखे लोग, बॉलिंग देखे लोग, मज़ा आ गया। तो चलिए अब बाहर चलेंगे लोग और देखेंगे लोग, जब ये लोग बस में चढ़ेंगे लोग तब वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे। अभी तो फील्ड में ये सब फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग सब क्लियर, शायद नाश्ता वास्ता करके थोड़ी देर बाद निकलेंगे लोग। तो चलिए आइए चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं बाहर से नज़ारा ईडन गार्डन का। बहुत इंजॉय किए लोग, बहुत मज़ा आया दोस्तों। प्रीफर करूँगा आप लोग को भी आइए, कभी मैच हो तो शेड्यूल देख सकते हैं आप गूगल पे, शेड्यूल देख के कभी भी आप आ सकते हैं। जिस दिन मैच हो उसी दिन आइएगा, क्योंकि बाकी दिन बंद रहता है और एंट्री भी नहीं रहता है। चलिए चलते हैं बाहर। हाँ दोस्तों, तो मैं अभी ईडन गार्डन के बाहर आ चुका हूँ, मैच ख़त्म हो चुका है। मैंने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड से बात किया, वो बोले कि लगभग अभी एक डेढ़ घंटा बाद वो लोग निकलेंगे, अभी वो लोग नेट प्रैक्टिस करेंगे अंदर ही। मैं ही फुटबॉल खेल रहा, मैंने भी देखा, तो इतना देर मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा भी बस यहाँ से मिलने में टाइम लगेगा। मैं भी अब बस पकड़ के अपने घर चला जाऊँगा। तो गाइस बताइए वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।